फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर 2 जुलाई को हुआ था, जिसमें ईओ का और एपीएफसी दोनों का एक ही दिन हुआ था। तो पेपर का जिस हिसाब से लेवल था वो टफ साइड में था, तो उससे आप ये एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं कि आपके नंबर कितने बनेंगे, क्योंकि अलग अलग प्रॉपर चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे अलग अलग आंसर की प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें उनके सोल्यूशन भी किसी किसी के डिफ़र कर रहे हैं। तो प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं हो पा रहा है कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो नो डाउट पेपर टफ था, और लास्ट के कंपैरिजन में पेपर का लेवल बहुत हाई था, तो उसके हिसाब से कट ऑफ जो है नीचे जाएगी, लेकिन कितनी जाएगी ये तो आदमी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट हम लोग को वेट करना पड़ेगा। तो यूपीएससी ईपीएफओ की आंसर की जो ऑथेंटिक है, जो यूपीएससी के थ्रू दी जाएगी, वो एक हफ्ते के अंदर शो हो जाएगी। तो उससे हम लोग जज कर पाएंगे कि प्रॉपर क्या आंसर की आएगी। बाकी सब जगह जो सर्कुलेट हो रहा है, आप उस हिसाब से अगर उस रेंज में आ रहे हैं तो आप अपने को इन मानिए, और देखते हैं आगे क्या होता है। एक हफ्ते के अंदर आंसर की आ जाने का चांस है। सो आप ये देख सकते हैं कि आंसर की आ जाएगी, उसके बाद ही एस्टिमेट किया जा सकता है कि कितना बनेगा और किसको कॉल आएगी, और आप आगे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। नो डाउट पेपर टफ था, आया था, और बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे चैनल्स के रॉन्ग हो रहे हैं। तो ये सोचिए कि जब वो उस सब्जेक्ट के मास्टर हैं, उस सब्जेक्ट के उन्होंने उसको पढ़ाया है, उनके आंसर भी रॉन्ग हो रहे हैं, तो जो कैंडिडेट है वो तो प्रॉपर उतनी हिसाब से स्टडी नहीं कर सकता है, तो उसके क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांस ज़्यादा हैं, तो कट ऑफ भी नीचे ही जाएगी। तो आप लोग वेट करते रहिए, एक हफ्ते के अंदर आंसर की आ जाएगी, उसके बाद कॉल के लिए आप लोग वेट करिएगा। थैंक यू।